यहाँ ले चल, नहीं वहाँ ले चल ना, हरियाणा में चल। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा हरियाणा में चलो तो कटेगी भाई। जब तेरे अफसर आएगा मैं बात करूं। उतर लो या तो उतर लो या यात्रा करने दो, किराए दो। करे कोई भरे कोई, ये कहावत आज राजस्थान और हरियाणा की पुलिस के बीच चल रहे विवाद को पूरी तरह से दर्शाती है। राजस्थान और हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य हैं, दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन इन दिनों दोनों राज्यों के बीच शीत युद्ध चल रहा है, या यूं कहे कि एक महाभारत चल रही है। यह महाभारत किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं चल रही, एक मामूली सी घटना की वजह से दोनों राज्य आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिस वजह को लेकर दोनों राज्यों के बीच ठनी है। उस वजह से किसी को कोई फायदा नहीं है, बस एक द्वेष या ऐंठ की भावना है जो एक दूसरे के प्रति निकाली जा रही है। आइए इस घटना पर गहराई से नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्या इस तरह के विवाद से कोई सबक लिया जा सकता है, क्या हमें बेहतर संवाद और समझ की आवश्यकता है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है, हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे। हाल ही में एक महिला कांस्टेबल का एक वायरल वीडियो, जिसमें वह किराया न देने पर अड़ी थी, उसने दो पड़ोसी राज्यों की पुलिस को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। क्या एक छोटी सी घटना ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया? अब निर्दोष रोडवेज चालकों और यात्रियों को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। क्या राज्यों के बीच इस तरह की टकराहट से हमें एकता के बजाय विभाजन का अनुभव नहीं होता? इस स्थिति ने न केवल पुलिस के बीच के संबंधों को चुनौती दी है, बल्कि आम जनता को भी इससे प्रभावित किया है। महाभारत की क्या वजह रही, जो हम आपको बता देते हैं। आपको याद होगा, करीब 3-4 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वह वीडियो राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रही हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल का था। रोडवेज का कंडक्टर महिला पुलिसकर्मी से किराया मांग रहा है और महिला पुलिस किराया नहीं देने की बात कह रही है। खाकी वर्दी पहने महिला पुलिसकर्मी वीडियो में यह कहती हुई सुनाई दे रही है कि वर्दी में हूँ, किराया नहीं दूंगी। कंडक्टर बस को रुका देता है, किराए के लिए बहस करता है। गाड़ी में बैठी अन्य सवारियां भी महिला कांस्टेबल को किराया देने की बात कह रहे हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी किराया नहीं देने पर अड़ी रही। आइए आपको भी सुनाते हैं महिला पुलिसकर्मी और रोडवेज कंडक्टर के बीच हुई बातचीत। यात्रा करनी है तो किराए दो, वरना यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है, हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है? नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे। यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई, हरियाणा में चल। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसको तो मैं बात कर लूंगी। भाई साहब, डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं, नियत लाओ, जल्दी दो भाई। जब तेरे अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराए दो। नहीं उतरना भाई, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी। ना ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और लेडीज जा रही है? ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल। ना, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। क्यों भाई, क्यों सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं, सैलरी नहीं मिलती। तो इस बीच बस में आसपास बैठे यात्री भी परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि हम और लेट हो रहे हैं, इतनी रात हो गई है। उसके बाद वो सब आपस में कानाफूसी करते रहते हैं, लेकिन कंडक्टर और लेडी कांस्टेबल के बीच बहस जारी रहती है। राजस्थान रोडवेज में नहीं करते वो? कोई बात नहीं, करते हरियाणा के, हरियाणा में करते हैं। अरे हम और लेट हो रहे हैं, लाओ जल्दी करो, किराया देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते।
या तो नीचे उतर लो, हाँ तो किराया लगेगा। कर दे भाई साइड में खड़ी कर दे, हाँ साइड में खड़ी कर दे। मैडम ये कौन सी बात है, सब साइड में कर दे, या तो आप वर्दी में किराए दे दो। इस बीच फिर से बस में बैठे लोग कहते हैं कि मैडम ये कौन सी बात हुई, आप वर्दी में हैं तो किराया दे दो। ये सारे स्टाफ के ही हैं, 50 रुपए के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, आपने बस बंद करवा दी है। आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है। वर्दी में कभी पूरी बस माफ 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो, कोई बात नहीं। क्या महकमे में हो आप? हाँ महकमे में ही है, उतर लो नीचे, उतर लो, कोई दिक्कत नहीं, उतरना नीचे। हाँ तो किराया दो, फिर नहीं मिलेगा, कोई जबरदस्ती है क्या, नहीं मिलेगा। सबको लेट करने लग रहे हो तुम हमें। हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल और राजस्थान रोडवेज कंडक्टर की भैंस का मामला ऊपर तक पहुंचा। हरियाणा पुलिस ने शायद इसे गंभीरता से लिया। बिना टिकट रोडवेज बस में सफर करने की जिद करने वाली महिला कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की बसों के धड़ाधड़ चालान काटने शुरू कर दिए। राजस्थान रोडवेज की जो भी बसें दिल्ली या हरियाणा जा रही थी, उन सभी बसों के चालान काटे जाने लगे। ड्राइवर के वर्दी में नहीं होने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, नंबर प्लेट सहित अन्य कई तरीके के मामलों को लेकर अलग अलग यातायात नियमों का उल्लंघन बताते हुए चालान काटे गए। 2 दिन में सैकड़ों से ज्यादा रोडवेज बसों के चालान काट दिए गए। क्या बोल रहे हो बताओ, जो आप बोल रहे हैं हम समझ रहे हो। नहीं आप अभी, अभी एक बंदे ने गलती की है, एक बंदे ने गलती की है, किसी ने कोई ने गलती की नहीं। अच्छा अब वो सबको दंड दे रहे हैं, हम सबको दंड दे रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। आवाज जो आप उसी वजह से कर रहे हो। किस वजह से कर रहा हूँ मैं? किसी बंदे ने कोई आपकी टिकट काटी होगी या नहीं काटी, उसी की वजह से कर रहे होगे आपकी टिकट। अरे मैं तो नहीं जानता टिकट का, मैं तो ये ड्राइवर ने वर्दी नहीं पहन रखी, इसका चालान करूंगा। एक वायरल वीडियो में यातायात पुलिसकर्मी की आवाज से पता चल रहा है कि वह हरियाणा से ताल्लुक रखता है, लेकिन वह दिल्ली पुलिस में शामिल है। राजस्थान रोडवेज की बसों का दिल्ली में एक जगह रुकवा कर चालान किया गया। जब ड्राइवर ने संबंधित अधिकारी से दिल्ली पुलिस की बात कराई तो उसमें रंजिश की भावना साफ साफ झलक रही थी। आइए आपको भी सुनाते हैं वायरल वीडियो में क्या बात हो रही है। अरे भाई आजा साइन मार इन पे। हेलो समीर देव, सबको फोन में कर लूंगा, साइन करवा देते भाई, साइन मार इन पे। हेलो हाँ भाई जी बोलो, हुक्म करो। ठीक है जी, चलो आप जितना इस पे हो सकता था ना जी उतना कर दिया है। अब बिल्कुल बता दिया ना, मैंने बता तो दिया मैंने आपको, जितना ज्यादा से ज्यादा होता था उतना कर दिया है जी। विदाउट लाइसेंस विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, सब लगा दी मैंने। हाँ ओके ओके भाई जी, बिल्कुल नवीन नाम है भाई जी, जब मन करे, जब जहाँ मन करे वहाँ मिलना जी, बिल्कुल मिलूंगा जी बिल्कुल। अरे मेरे भाई जी नवीन बता रहा हूँ, नवीन नाम मेरा, अभी यही हूँ फिलहाल, तो आगे का पता नहीं कहीं बदली हो जाए तो, बाकी फिलहाल यही हूँ। ले भाई ले, इसके बाद राजस्थान पुलिस कहां पीछे रहने वाली थी। अब रविवार को राजस्थान पुलिस भी हरकत में दिखाई दी। राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बसों के धड़ाधड़ चालान काटने शुरू कर दिए। जयपुर में केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप के सामने चालान काटने शुरू किए गए। जयपुर से लेकर अन्य जिलों में भी हरियाणा रोडवेज की बसों के जमकर चालान काटे गए। बताया जा रहा है कि एक दिन में हरियाणा रोडवेज की करीब 100 बसों के चालान काटे गए। इस पूरे मामले पर हरियाणा परिवहन मंत्री का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, पर वो सेटल कर लिया गया अधिकारियों से बात करके,
वो मामला खत्म हो गया। अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी की हैं, फिर भी अगर लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, जनता पे बोझ पड़ रहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? केंद्र सरकार आपकी है, राजस्थान सरकार आपकी है, हरियाणा सरकार आपकी है, अब किसको दोष देंगे आप? अगर आपस में समन्वय नहीं है, और सिर्फ एक रोडवेज की बात नहीं है, अनेक ऐसे इश्यूज है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में तालमेल नहीं है। तो दोस्तों, इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बड़ी टकराहट का कारण बन सकती है। क्या छोटे छोटे विवादों से हम अपने संबंधों को कमजोर कर रहे हैं? क्या हमें सच में इस तरह की द्वेष की भावना से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है? इस विवाद ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि संवाद और समझ की कितनी आवश्यकता है। संवाद और समझ की सबसे बेहतर समाधान हो सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप इस विवाद के पीछे की वजहों को समझते हैं? हमें अपनी राय जरूर दें। अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपनी आवाज़ उठाते रहें। नमस्कार।